बीएचयू में इस राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। आपको बता दें काशी विश्वनाथ मंदिर राम मंदिर पर राष्ट्रीय सेमिनार है, सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा सेमिनार। देश के 20 विश्वविद्यालयों के अध्ययनकर्ता इसमें भाग लेंगे। पीएम मोदी के किए गए कार्यों का होगा प्रेजेंटेशन। आपको बता दें वाराणसी से अगली बड़ी खबर, बीएचयू में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन है, काशी विश्वनाथ मंदिर राम मंदिर पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया है, सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा सेमिनार। आपको बता दें इस सेमिनार में देश के 20 विश्वविद्यालयों के अध्ययनकर्ता इसमें भाग लेंगे, प्रतिभाग करेंगे। पीएम मोदी के जो कार्य हैं उसका प्रेजेंटेशन किया जाएगा इस बड़े सेमिनार में। आपको बता दें वाराणसी से बड़ी खबर है, बीएचयू में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, काशी विश्वनाथ मंदिर और राम मंदिर पर यह सेमिनार जो है आयोजित किया गया है, सुबह 10:30 बजे शुरू होने जा रहा है ये सेमिनार। इस सेमिनार में देश के 20 विश्वविद्यालय जो हैं उसके अध्ययनकर्ता भाग लेंगे। पीएम मोदी के कार्यों का प्रेजेंटेशन इसमें दिया जाएगा। बात करेंगे संजय से। जी संजय, जिस तरह से वाराणसी में बीएचयू में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन है, काशी विश्वनाथ मंदिर और राम मंदिर पर ये राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया, क्या अधिक जानकारी इस खबर पर? जी, बीएचयू में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया है जिसमें कई देश के मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं और 20 विश्वविद्यालय के जो अध्ययनरत छात्र हैं, रिसर्चर हैं, वो भी वहाँ पर आएंगे और राम मंदिर और काशी विश्वनाथ को लेकर कई चीजों पर चर्चा करेंगे। भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति को लेकर चर्चाएं होंगी और पीएम मोदी के जो अभी तक योजनाएं रही हैं, जो उनका कार्यकाल रहा है, उसके ऊपर भी प्रेजेंटेशन वहां पे दिया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जी की जो चीजें रही हैं, योजनाएं रही हैं कि कैसे और जन जन तक पहुंचाया जाए, जन हित की नीतियों को कैसे और प्रचारित किया जाए, इसके ऊपर भी वहाँ पे बड़े स्तर पर लोग प्रेजेंटेशन देंगे। इस सेमिनार में संजय किस तरह से, मतलब एक तरह से तो प्रेजेंटेशन तो दिया ही जाएगा मोदी जी के कार्यों का, साथ में इसमें छात्रों को पुरस्कार देने की बात भी हमारे सूत्र बताते हैं, क्या पुरस्कार वितरण समारोह भी रखा गया है इसमें? जी, पुरस्कारों का वितरण भी दिया जाएगा, जैसे जिसके अलग अलग कला से अलग अलग क्षेत्र से जो लोग आए हैं उनके हिसाब से उनको वहाँ का पुरस्कार भी दिया जाएगा, जो अपने कार्य में कुशल रहे हैं, अच्छा काम किए हैं, समाज में अच्छा नाम किए हैं। और अधिक जानकारी इस पर, बीएचयू में जिस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, देश के 20 विश्वविद्यालयों के अध्ययनकर्ता भाग लेंगे, कौन कौन से 20 विश्वविद्यालय इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, कौन कौन से विश्वविद्यालय से लोग आएंगे यहाँ पर? अब पूरे भारत में अगर देखा जाए तो पूरे देश के जो सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय है वहाँ से आएंगे अध्ययनकर्ता और वो चीजों को रखेंगे, क्योंकि जैसे इसमें मुख्य रूप से वही लोगों का सम्मिलित किया गया है जो इससे अच्छी जानकारी रखते हैं, गहन रिसर्च किया है और चीजों के बारे जानकारी रखते हैं पॉइंट टू पॉइंट, उन्हीं लोगों को इसमें शामिल किया गया है। उसमें कई विश्वविद्यालय के लोग उसमें हो सकते हैं, विश्वविद्यालयों के नाम को मतलब अभी वो नहीं दिया गया कि कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, लेकिन चीजें हैं कि 20 विश्वविद्यालय से लोग आ रहे हैं। संजय, आपका बहुत शुक्रिया इन सभी खबरों पर जुड़े रहने के लिए। आपको बता दें बड़ी खबर है वाराणसी से, बड़ा आयोजन 10:30 बजे बड़ा सेमिनार आयोजित किया गया है जहां पे देश के 20 विश्वविद्यालयों के अध्ययनकर्ता इसमें प्रतिभाग करेंगे।